हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तकरीबन 6 दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम था ब्रांच में, और उसके साथ साथ जो क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, कुछ काम था उसको कंप्लीट करना था। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे 6 दिन में, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, अलग अलग क्वेरी थी लोगों की। तो ये वीडियो कमेंट्स से रिलेटेड होंगे, जितने भी कमेंट्स में जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, जो अपकमिंग जो भी बैचेज आने वाले हैं, जिन लोगों ने टेस्ट दे रखा है या फिर जिनका इंटरव्यू रखा है, ये सारा उसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहला कमेंट ये था कि क्या जो भी मेरे ब्लड रिलेशन है जो कि बैंक में काम करना चाहता है या पहले से काम करते हैं, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ बैंक। तो हमारे पॉलिसी में साफ साफ बताया गया है कि अगर मेरे रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से कोई भी रिलेटिव अगर पहले से ICICI बैंक में काम कर रहा है तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये इन लोगों की एक पॉलिसी होती है जो कि मैंने पहले भी ये वीडियो में बना के मैंने डाल रखा है कि ये जो है इनकी एक अपनी पॉलिसी है, जिसमें कि आप जो हैं वो अगर आपके रिलेशन वाले पहले से कोई इस जॉब में काम कर रहे हैं तो आप इस जॉब में काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप रेस्टिकेट कर दिए जाएंगे, तो आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं तो उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू होने के कितने दिन बाद तक इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, या फिर कब तक उनको कॉल आ जाती है ICICI बैंक से कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे कि जब आप लोग अपना एग्जाम देते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप लोग देते हो, तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ICICI वाले आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, उसी पे आपको लिंक आता है। मेल पे तो आता ही आता है, आपको व्हाट्सएप पे भी वो लिंक आता है। तो उस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करके रखो, जब आपका इंटरव्यू हो जाए, ध्यान से सुनना, जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो उस व्हाट्सएप पे इंटरव्यू के एक या दो दिन बाद, जब आपका इंटरव्यू एक या दो दिन बाद जब वो हो जाता है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे एक बारी मैसेज करो, वो लोग आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे वहाँ पे। और अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको HR का नंबर आ गया रहता है मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो HR को आप लोग कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट करो, हर दो दिन पे गैप करके एक बारी कॉल करो और पूछो कि क्या स्टेटस है, क्या मतलब क्या एलिजिबिलिटी, मतलब क्या मैं पास हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेते रहो, क्योंकि आप लोग इन्फॉर्मेशन लोगे, अपडेट रहोगे, तभी वो लोग रिजल्ट बताएंगे, अदरवाइज उसमें डिले हो जाता है। ऐसे जिसका अगर डिले नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इंटरव्यू के 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, कभी कभी मैक्स टू मैक्स 5 डेज लग जाता है। मेरा 5 डेज लग गया था, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, 4 से 5 दिन का टाइम मैक्सिमम लग ही जाता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कमेंट ये था कि क्या OJT और इंटर्नशिप का लोकेशन सेम रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ब्रांच पे, लाइक जैसे कि आपको बड़ा ब्रांच मिला है, छोटा ब्रांच मिला है, या फिर ब्रांच में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। बट 90-95% केस में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं आपका OJT भी वही होता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है ब्रांच पे, आपके परफॉर्मेंस पे। अगर ब्रांच मैनेजर चाहे तो आपका लोकेशन चेंज भी हो सकता है, अगर आपके HR चाहे तो आपका लोकेशन चेंज भी हो सकता है। बट 90-95% केस में आप जहाँ पे इंटर्नशिप करते हो वहीं पे OJT करते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कहीं और हो जाती है, या फिर आपको कहीं और बुलाया जाता है, या फिर आपके ब्रांच में आपके लिए जगह नहीं है, तो हो सकता है कि इंटर्नशिप के बाद आपका लोकेशन चेंज कर दिया जाए OJT में। बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आप जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ OJT ही करोगे। मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये जो है लास्ट कमेंट है कि मतलब जो आपका, जैसे कि आपको अगर ICICI मणिपाल का PU प्रोग्राम जो आपको अगर ज्वाइन करना है, तो क्या आपको इंग्लिश आना जरूरी है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि बेसिक इंग्लिश जो होता है, जो कि हम लोग बेसिक कन्वर्सेशन एक कर सकते हैं, जो कि एक लाइक बहुत लो लेवल का होता है, लाइक अगर टीचर आपको लेक्चर, आपके फैकल्टी जब आपको लेक्चर जब आपका चल रहा होता है IMA में, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को समझ सके, उतनी इंग्लिश आनी चाहिए। या फिर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपने लाइक उसमें टीचर को एक्सप्लेन कर सके, बता सके अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में, आपकी बेसिक इंग्लिश उतनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी बेसिक इंग्लिश उतनी तो होती ही होती है। अब बिल्कुल भी अगर इंग्लिश आपको नहीं आता, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप थोड़ा बहुत नहीं बोल सकते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी चीज़ों को, तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा वहाँ जाने के बाद। बट अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, लाइक अगर आप इंट्रोडक्शन अपना दे पा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश आप कन्वर्सेशन कर लेते हैं, बेसिक ही, ज़्यादा एडवांस नहीं, बेसिक अगर आप कर, तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है बोलने समझने, अगर आप समझ पाते हैं बेसिक इंग्लिश को, कन्वर्सेशन को, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं ये कोर्स। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आप फ्लुएंट होने चाहिए। बाकी जब आप IMA में जाएंगे तो वहाँ पे जब आप क्लास करेंगे, आपको जो भी टास्क दिया जाएगा वो आप करेंगे, आप जब प्रेजेंटेशन देंगे तो वहाँ पे उस टाइप का इन्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे इंग्लिश आप अपना बना लेंगे, आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मे बी संडे को डालूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इधर ज़्यादा हार्डवर्क है ब्रांच में भी, क्योंकि मार्च का टाइम है, क्लोजिंग का टाइम है, तो थोड़ा बहुत काम होता है यहाँ पे।
हर हर बैंक में होता है, हर ब्रांच में होता है। तो फिर मैं वीडियो डालूंगा, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। एंड आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइबर मेरे ही बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।